PNG ज्वेलर्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी अब तक 7 समन भेज चुकी है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि आज यानी शुक्रवार के दिन या शाम तक अरविंद केजरीवाल को एक और नोटिस भेजा जा सकता है। खबर है कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ा रही है, साथ ही ईडी भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तैयारी में है। अगले 2 से 3 दिनों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि ईडी द्वारा शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए अब तक सीएम केजरीवाल को 7 समन भेजे जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से पहली बार 2 नवंबर 2023 को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। इसके बाद 21 दिसंबर 2023 को ईडी ने पूछताछ के लिए दूसरा समन भेजा, फिर ईडी ने तीसरी बार 3 जनवरी को, चौथी बार 18 जनवरी और फिर 2 फरवरी 2024 को समन जारी करते हुए सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। 5 समन पर पेश नहीं होने के बाद ईडी ने कोर्ट में मामला दर्ज कराया। कोर्ट में मामला जाने के बाद 14 फरवरी को एक बार फिर केजरीवाल को पूछताछ के लिए 6ठा समन भेजा गया। 6ठे समन में केजरीवाल ने ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की सलाह दी थी, जिसके बाद 22 फरवरी को ईडी ने सीएम केजरीवाल को 7वां समन जारी करते हुए 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 समन के बाद 17 फरवरी को ईडी कोर्ट की सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। केजरीवाल के वकील ने पेशी से छूट के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। वकील ने कोर्ट को बताया था कि दिल्ली सरकार के बजट और विश्वास प्रस्ताव की वजह से पेश नहीं हो पा रहे हैं। केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि मैं आना चाहता था, लेकिन बजट और विश्वास प्रस्ताव की वजह से मैं नहीं आ सका, अगली तारीख पर आ जाऊंगा। ईडी के नोटिस पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल को गैर कानूनी नोटिस भेजा गया है। आपने बार बार यह सवाल उठाया कि किस आधार पर ये समन भेजे गए हैं। जब ईडी खुद इस मामले को लेकर कोर्ट गई तो इंतजार क्यों नहीं कर सकती। ईडी सिर्फ अरविंद केजरीवाल को डराना चाहती है। चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया है उसी का बदला अरविंद केजरीवाल से लिया जा रहा है। अगर ये सिर्फ लीगल मामला होता तो ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करती, दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का इंतजार करती। आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या कहा। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ है जो इतनी जल्दबाजी केंद्र सरकार के अंदर दिखाई जा रही है कि अब ईडी छोड़ो, ईडी का मामला तो कोर्ट में फंस गया है, अब सीबीआई को कहो कि सीबीआई तुरंत इनको गिरफ्तार करे। हमें लोग काफी दिनों से ये बात कह रहे थे, हम लोग मानते नहीं थे, यहां तक पत्रकार साथी भी ये बात कहते हैं कि आप जैसे ही कांग्रेस के साथ मल्टी स्टेट अलायंस करेंगे अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हमें ये बात कह रहे हैं कि अगर अलायंस हुआ तो अरविंद केजरीवाल जेल में गए, और अरविंद केजरीवाल जी को अगर आप लोग बाहर देखना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बने। यानी बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट बहुत ज्यादा है। उनको लगता है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आएंगे तो जिन जिन राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आएंगे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनानी मुश्किल होगी। ये बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि अजय अब तो 300 पार जा रहे हैं, 370 पार जा रहे हैं, 400 पार जा रहे हैं। 400 पार जाने वाला आदमी अपने एक्स गवर्नर, एक बुजुर्ग आदमी के घर सीबीआई नहीं भेजा करता।
बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल पहले 6 समन जारी होने के बाद अब तक पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए हैं। इन समन को छोड़ना केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब तक ईडी की ओर से जारी सभी समन को गैरकानूनी करार देते हुए नजरअंदाज किया है, जिसके बाद ईडी की तरफ से 7वां समन जारी किया गया है। अब देखना होगा कि केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश होते हैं या नहीं।